हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और मैं आज आप सबके लिए, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा, सुंदर सा, एकदम ब्यूटीफुल सा आप सबके लिए डोरमेट लेके आई हूँ। हम सभी के घर में आरओ फिल्टर होता है, तो जो उसमें जाली लगी रहती है जिसमें सारे धूल मिट्टी सभी इकट्ठा होते हैं, प्योरीफाई करता है वाटर, तो उसी से देखिए फ्रेंड्स, उसमें आप जब उसे खोलोगे तो उसमें आपको इस तरह का थ्रेड मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी थ्रेड से मैंने आज आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर सा और देखिए ब्यूटीफुल सा डोरमेट बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखिए इससे किस तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे थ्रेड से। ये देखिए, एक सिंपल सा यहाँ पे नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें चैन लगाना है, तो सबसे पहले थ्रेड को उंगलियों में लपेट लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे फंसा फंसा के चैन लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान है ये चैन लगाना। तो यहाँ पे हम टोटल 60 चैन लगाएंगे, 60 चैन यहाँ पे हमें लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 60 चैन लगा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अभी यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इस चैन में फंसा फंसा के अभी देखिए फिर से हमें क्रोशिया चलानी है। तो यहाँ पे जितने भी 60 चैन बनाए मैंने, तो प्रत्येक में से एक एक बार क्रोशिया चलाना है। ये देखिए, एक एक में से फंसा फंसा के और इस तरह से क्रोशिया चला लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो थ्रेड है काफ़ी स्मूथ है और थोड़ा सा पतला भी है, तो क्रोशिया में से आसानी से निकल जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें पूरे 60 चैन में जो यहाँ पे लगाए हैं सभी में इस तरह से बीनते हुए जाना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से देखिए, पूरा होने के बाद अब फिर से यहाँ पे एक चैन लगा देंगे। और चैन लगाने के बाद फिर से देखिए, इस तरह से फंसा फंसा के बीनते जाना है। यहाँ पे जो 60 यहाँ पे जो क्रोशिया चलाई है, तो प्रत्येक में से देखिए फंसा फंसा के, उनके बीच बीच में से फंसा फंसा के और फिर से क्रोशिया चलाते जाएंगे। ये देखिए,
सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बन के आएगा और पूरे में हमें इसी तरह से एक 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 बार बीनते हुए यहाँ तक लास्ट तक आ जाना है। ये देखिए सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से थर्ड लाइन में सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में चैन लगा लेना है। देखिए एक चैन लगा लिया, फिर से प्रत्येक में से सभी में से एक एक बार इस तरह से फंसा फंसा क्रोसिया चला देंगे और ऐसे ही बिनते हुए इसे बड़ा कर देना है। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये डोरमेट बनके इतना कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे दो नलियों का थ्रेड लगा हुआ है और ये टोटल देखिए यहाँ पे 13 टाइम मैंने ये लाइन बनाया है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ है और साइड का ये जो ऊन है इसे कट करके यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। ये देखिए एक नॉट लगा के इसे कट कर लेना है थ्रेड को। उसके बाद हम रेड कलर का ऊन लेंगे और इससे अभी हमें यहाँ पे साइड डिज़ाइन यहाँ पे बनाना है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अभी सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊन फंसा लिया है। उसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया चला लेंगे। डबल क्रोशिया के बाद तीन चैन लगाना है और तीन चैन लगाने के बाद अब जो स्टार्टिंग वाला जो चैन है शुरुआत वाला उसमें फंसा के अब इस तरह का हमें देखिए 4 टाइम इस तरह से ऊन फंसा फंसा के निकालेंगे। तो ये यहाँ पे ग्रैप्स लड़ी बोलते हैं इसको, तो इस तरह से ये बनानी है साइड डिज़ाइन के लिए। 4 से 5 टाइम हमें इस तरह से फंसा के निकालना होता है। उसके बाद देखिए अब दो चैन लगा लिया और फिर से अभी किनारे किनारे पे फंसा फंसा के और इसे हम पूरा साइड से बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फंसा के निकाल लेंगे। ये देखिए उसके बाद फिर से तीन चैन लगाना है, 3 चैन लगाने हैं। उसके बाद फिर से ये देखिए 1 इंच तक ऊन को ऊपर ले जाना है और फिर फर्स्ट वाले चैन में से फंसा फंसा के 4 से 5 टाइम हमें निकालना है। ये देखिए अब इतना हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से निकाल के बांध लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये नॉट यहाँ पे बनेगा और फिर से ये देखिए फिर साइड से फंसा के और ये डिज़ाइन यहाँ पे बनेगा। तो फिर साइड से फंसा के और यहाँ पे हमें क्रोशिया से बांध लेना है। इसके बाद फिर से 3 चैन लगाना है और 3 चैन लगाने के बाद फिर से स्टार्टिंग वाले में फंसाएंगे और 1 इंच का थ्रेड की लंबाई रखते हुए और देखिए इस तरह से फंसा फंसा के 4 से 5 टाइम यहाँ पे निकाल के और बांध के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 2 चैन लगाना है उसके बाद और फिर से साइड में फंसा लिया। अब ये देखिए फंसा के यहाँ पे निकाल दिया। तो ये पूरा हमें एकदम पूरे राउंड में इसी तरह से पूरा डिज़ाइन बनाते जाना है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे फिर से जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे चलाए मैंने क्रोशिया, फिर यहाँ पे भी हमें इस तरह से 2 क्रोशिया चला लेनी है। उसके बाद फिर से हमें 3 चैन लगाने हैं। उसके बाद फिर 1 इंच का उनको ऊपर ले के तरफ रखते हुए और 4 से 5 टाइम फंसा के और यहाँ पे उनको बांध लेना है डायरेक्टली। ये देखिए फिर 2 चैन लगा के और यहाँ पे देखिए 2 से 3 यहाँ पे जो क्रोशिया जो नॉट लगी हुई है इसे छोड़ के और फंसा फंसा के और साइड से ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे।
सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इतना मैंने आपको साइड डिज़ाइन बना के दिखा दिया है, और इसी तरह से पूरे चौकोन में ये डिज़ाइन हमें बना के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, पूरा कंप्लीट करने के बाद अब थ्रेड को कट कर लेना है और एक नॉट लगा के यहाँ पे ले लेंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर में मैंने थ्रेड बांध लिया है रेड कलर का, और अभी हमें यहाँ पे अंदर की तरफ डिज़ाइंस बनाने हैं। तो सबसे पहले एक क्रोशिया चला लेंगे, और क्रोशिया चलाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 इंच का हम लंबा ऊन करके ले लेंगे, जैसे नॉट बनाया था ग्रैप्स नॉट उसी तरह से सेम ही है, बस हमें यहाँ पे लंबे लंबे टाके मारते जाने हैं। ये देखिए इस तरह से फंसा फंसा के, छोटा बड़ा आपको जिस हिसाब से ये टाके यहाँ पे बीच में मारने हैं आप उस तरह मार सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का लिया है, पहले मैंने 1 इंच का लिया, उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पे ये टाके मैंने बनाए हैं। तो इसी तरह से पूरा हमें सेंटर का जो पॉइंट है वहाँ तक इसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सेंटर तक आ गए हैं, अब दूसरे कॉर्नर तक ना है, तो सेम प्रोसीजर वही है। ये देखिए इस तरह से फंसा फंसा के थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये टाके मारते जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब यहाँ पे सेकेंड वाले कॉर्नर पे आ गए हैं, और यहाँ पे भी फंसा के इसे बांध देंगे। ये देखिए इस तरह का बीच में डिज़ाइन बना लेंगे, थ्रेड को कट कर लेना है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी हमें यहाँ पे ट्रायंगल की तरह ये डिज़ाइन बना लेना है। तो ये देखिए पूरा ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा एक पॉम पॉम बना लेंगे, क्योंकि बीच में जो जगह है वो खुला हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक पॉम पॉम यहाँ पे लगा के बना के लगा देना है। आप इसकी जगह पे चाहे तो कोई फ्लावर्स वगैरह भी बना के लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे पॉम पॉम बना के लगा रही हूँ। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये पोम पोम बन के कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पे सेंटर में रख देंगे, और यहाँ पे निडल की मदद से इसे फिक्स कर देंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये डोरमेट बन के इस तरह से कंप्लीट हो गया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।